जय श्रीमन नारायण। रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा वर्णन करेल श्रीमद भगवद गीता नो गुजराती भाषांतर हूँ आपने कही रही छू। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन साथे आपने बधाने ज्ञान योग शिखवी रहा छे। परमात्मा कहे छे, अर्जुन लोकोनी जे बधी इच्छाओ छे ते हूँ पूरी करीश। हूँ ते क्यारे करूं छू? प्रथम हूँ सुनिश्चित करीश के लोको जे इच्छाओ धरावे छे ते सारा अने शाश्वत परिणामों आपे अने तेमना जीवननो हेतु सिद्ध करे। पछी हूँ तेमनी इच्छाओ पूरी करीश। आ समग्र प्रक्रिया में थोड़ो समय लागे छे। ओछी बुद्धि धरावता मनुष्यों पासे आटलो लांबो समय प्रतीक्षा करवानी धीरज नथी। तेओ आटली लांबी प्रतीक्षा करवा मांगता पण नथी। तेमनी इच्छाओ शीघ्र अने तत्काल पूर्ण थाय ते माटे तेओ अन्य देवताओने प्रसन्न करवानो आरंभ करे छे। पछी निश्चित रूपे तेमनी इच्छाओ अन्य देवताओं द्वारा पूर्ण थशे। परंतु ते इच्छाओनु शुं थाय छे जे अन्य देवताओं द्वारा पूर्ण थाय छे? ते तेमने बीजा घणा बधा विषयोनी लालसा प्रत्ये दोरी जशे। तेथी तू एक वस्तुनो आनंद माणीश त्यां बीजी वस्तु माटे तृष्णा आरंभ थशे अने आ चक्र चालू रहेशे। अने तारी तृष्णाओनो आनंद माणवानी अने संतोषवानी आ प्रक्रिया में तू तारा जीवननो हेतु संपूर्णपणे भूली जईश। तू मनुष्य जीवनना आ अमूल्य अवसर ने वेड़फी नाखीश अने पुनः एक वार जन्म मरणना चक्र में फसाई जईश। तेनाथी विपरीत जो तू मारी पासे आवे तो तारी बधी मनोकामनाओं पूर्ण थशे, तारा जीवननो उद्देश्य पूर्ण थशे अने तू जन्म अने मृत्युना चक्रमांथी मुक्त थईश। आ प्रमाणे श्री कृष्ण परमात्मा आपणने समझावी रह्या छे कि आपणी कोई पण इच्छा श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा पूर्ण करवी हमेशा सुरक्षित अने सार्थक छे। परमात्मा ना उपदेशों नो पालन करता अने मात्र श्री कृष्ण परमात्मा ने ज आपणो एकमात्र आश्रय मानता चालो आपणे परमात्मा ना शब्दों नो पुनरावर्तन करिए। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण परमात्माए आखीय भगवद गीतानो सार अध्याय 18 ना श्लोक 65 થી 70 में 8 उपदेश द्वारा कह्यो छे। श्री कृष्ण कहे छे, जे मारा आ 8 उपदेश अनुसरे छे ते मने प्रिय छे। ए सर्वे भक्तोनु हूँ बधी ज रीते रक्षण करीश। श्री कृष्ण परमात्मा पासे थी आखीय भगवद गीता सांभळ्या पछी अर्जुन कहे छे, करिष्ये वचनम तव, एटले कृष्ण हूँ तमारी आज्ञानु पालन करीश, तमे कहो छो एम करीश। अने आथी ज श्री कृष्णए दरेक प्रकारना यश અને વિજય અર્જુનને આપ્યા છે। તો ચાલો આપણે પણ પરમાત્માને 8 વાતો પાળવાનું વચન આપીએ। પરમાત્માને આપેલા વચનથી મોટી કોઈ પૂજા તપ કે યજ્ઞ નથી। 8 પ્રતિજ્ઞાઓ જે આપણે લેવી જોઈએ તે હું હવે કહું છું। आप सौ पण एनो मन अने हृदयथी विचार करो। आ रीते श्री कृष्णने वचन आपती वखते आपणे सौ श्री कृष्णनी हस्ती मुखमुद्रानो मनमा विचार करिए अने परम आनंदनो अनुभव करिए। जय श्रीमन नारायण। आपणा 8 वचनों आ प्रमाणे छे। आपणुं पहलुं वचन, हे श्रीमन नारायण, तमारा उपदेश प्रमाणे हूँ हमेशा तमारू ध्यान अने चिंतन करीश। आपणु बीजू वचन, हे श्रीमन नारायण, तमे कह्युं छे तेम हूँ सदाय तमारी भक्त रहीश। आपणु त्रीजू वचन, हे श्रीमन नारायण, हूँ मारा कर्मों तमने संतोष थाय तेम अने तमारी सेवा माटे करीश। આપણું ચોથું વચન, હે શ્રીમન નારાયણ, તમે અનુસરવા કહ્યું છે તેમ મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે હું તમારી છું। હું સદાય મારા હાથ જોડી તમને નમસ્કાર કરીશ, તમારી ભક્તિ કરીશ। આપણું પાંચમું વચન, હે શ્રીમન નારાયણ, હું તમારા શબ્દો યાદ કરું છું। મામેકમ શરણમ વ્રજ, तमे तमारी शरण में आवा कह्युं छे। श्रीमन नारायण, हूँ मात्र तमारा ज शरण में छूं। आपणुं छठ्ठुं वचन, हे श्रीमन नारायण, आपे कह्युं छे मां शुच, तमे अमने आश्वासन आपी शोक न करवा माटे कह्युं छे। तो हूँ दुखी नहीं थाऊं, शोक नहीं करूँ। आपणुं सातमुं वचन, हे श्रीमन नारायण, अमारा कल्याण अर्थे आपे श्रीमद भगवद गीता रूपी आशीर्वाद आपी अमारा सौ पर कृपा करी छे। तो हूँ दररोज ओछामा ओछो एक श्लोक वाँचीश अथवा सांभळीश एवो संकल्प लऊं छूं। आपणो आठमो वचन, हे श्रीमन नारायण, हूँ गीताना दैवी शब्दों ए भक्तों सुधी पहुँचाड़वानो प्रयत्न करीश जीवो गीताथी अजाण छे। हे श्रीमन नारायण, तमे कह्युं छे तेम करीश, तमे कह्युं छे एम वर्तीश अने तमारा माटे ज कर्म करीश। श्रीमन नारायणने आपेलुं वचन के दररोज तमे कह्युं छे एम करीशुं एज एक महान पूजा छे। तो चालो आपणे सौ दृढ़ श्रद्धा साथे प्रभु पासे एक संकल्प लईए। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव। श्रीमन नारायण, हूँ तमारी आज्ञानु पालन करीश। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ओम। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। तमाम भक्तों ने खास विनती, आपणा जीवननी दरेक बाबतोमां आपणे तात्कालिक अने असरकारक परिणामों इच्छीए छीए। આ પ્રાપ્ત કરવા માટે ચાલો દરરોજ 1 મિનિટ ફાળવીએ અને નારાયણાસ્ત્રમ વાંચીએ। નારાયણાસ્ત્રમ મેળવવા માટે તેની વેબસાઇટ જે www.narayanastram.org છે તેના પર જાઓ અને રજિસ્ટ્રેશનમાં તમારું નામ અને ઈમેલ આપો। તમે આપેલા ઈમેલ પર તમને નારાયણાસ્ત્રમ PDF પ્રાપ્ત થશે। PDF માં રામાયણનો 1 શ્લોક, ગીતાનો 1 શ્લોક અને 1 વિષ્ણુ નામ છે। આ 3ને નારાયણાસ્ત્રમ કહેવામાં આવે છે। દરેક વ્યક્તિને આ શ્લોકોનું અલગ અલગ સંયોજન પ્રાપ્ત થાય છે। જ્યારે દરેક વ્યક્તિ 24,000 ભક્તો સાથે તેમના નારાયણાસ્ત્રમને દરરોજ વાંચે છે અથવા સાંભળે છે ત્યારે સમગ્ર રામાયણનું 1 વાર પારાયણ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું 33 વાર પારાયણ અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામનું 24 વાર પારાયણ રોજ પૂર્ણ થાય છે। આ એક અદ્ભુત અને અસાધારણ પરિણામ છે। તેથી તમે અને તમારા પરિવારના સભ્યો તરત જ વેબસાઇટ પર જાઓ અને તમારું નારાયણાસ્ત્રમ મેળવો। જય શ્રીમદ નારાયણ।